नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और टेक एक्सप्रेस के और एक एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, 15 जून तक टेक एक्सप्रेस यहाँ पे आएगा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ। उसके बाद टेक एक्सप्रेस आएगा टेक यार इन हिंदी, जो नया हिंदी चैनल है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे कार्ड में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो टेक यार इन हिंदी में ही 15 जून के बाद से टेक एक्सप्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी कुछ हिंदी रिव्यूज़ वहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे तो हो रहा है, जैसे आप लोग जानते हो। तो कुछ न्यूज़ है। पहला जो न्यूज़ है वो है वन प्लस को लेकर। वन प्लस 3T डिसकंटिन्यूड होने वाला है दोस्तों। इसका एक रीज़न है क्योंकि वन प्लस 5 इंडिया में आने वाला है, और वन प्लस 5 इंडिया में आने वाला है वो भी स्नैपड्रैगन 835 के साथ। और हाँ दोस्तों, तो वन प्लस 5 आएगा इंडिया में, इसके लिए इसीलिए वो लोग अब वन प्लस 3T का प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, और वन प्लस 3T कुछ दिन बाद अमेजोन में नहीं मिलेगा। तो वन प्लस 3T आप लोग जानते हो स्पेसिफिकेशन क्या है। स्नैपड्रैगन 821, 16 मेगापिक्सल रियर, 16 मेगापिक्सल फ्रंट, 6 GB 64 GB एडिशन है, 6 GB 128 GB एडिशन है, और प्राइसिंग 30,000 के आसपास है बेस वेरियंट का। तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन का क्या है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हो तो जाइए और खरीदे, क्योंकि वन प्लस 3T अब मार्केट में नहीं रहेगा। और इस टाइम में भी वन प्लस 3T एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, सब कुछ उसका बहुत अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा अपडेट्स, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होता है वो भी वन प्लस में आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा शाओमी को लेकर। तो वन प्लस 5 तो इंडिया में आने वाला है, तो शाओमी ने भी सोचा कि चलो हम लोग मी 6 भी लेकर आते हैं। तो रूमर है कि जुलाई में, शायद जुलाई में, ये मई है, ख़त्म होने वाला है मई, उसके बाद जून, तो जुलाई में मी मैक्स 2 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और मी 6, शायद ये दोनों ही फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। प्राइसिंग अभी भी क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन प्राइसिंग मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट कॉन्वर्ट करें हम चाइनीज़ प्राइसिंग से इंडियन प्राइसिंग में, तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 25 से लगभग 28,000 के आसपास होगा मी 6 का बेस्ट वेरिएंट, और अगर मैं मी मैक्स 2 की बात करूँ तो वो 20,000 के आसपास हो सकता है। और मी मैक्स 2 के मैं बारे में बता दूं कि स्नैपड्रैगन 625 है, 6.44 इंच का 1080p डिस्प्ले है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्शन, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और नॉर्मली जो होता है 4 GB का रैम वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मी मैक्स 2 एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली फैबलेट टाइप का फ़ोन पसंद करते हैं, लेकिन मी 6 वन ऑफ अ काइंड, मी 6 एक बीस्ट है जो शायद इंडिया में आएगा। मुझे लगता है कि शायद वन प्लस 5 का ये जो एग्रेशन है इंडिया के लिए, उसको टक्कर देने के लिए मी 6 भी शायद इंडिया में आएगा, ऐसा एक रूमर है अकॉर्डिंग टू शाओमी इंडिया हेड, यानी कि शाओमी इंडिया का जो हेड है उनसे एक थोड़ा बहुत रूमर मिला है न्यूज़ वालों को। तो दोस्तों आता हूँ मैं अपना थर्ड न्यूज़ में, और थर्ड में है यू यूरेका ब्लैक। तो जैसा कि एक न्यूज़ है कि यूडेल इवेंचर्स का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, और वो लोग शायद कंपनी बंद कर रहे हैं, तो इस टाइम में उन लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उनको एक साथ कुल मिलाकर वो लोग एक नया यूरेका लॉन्च करने वाले हैं, जो है यूरेका ब्लैक। तो शायद डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस होगा, स्पेसिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस होगा, अब देखना होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन ब्लैक वेरियंट आएगा ये तो तय है। और एक बात हो सकता है कि शायद अगर इस फोन, अगर ये फ़ोन हीट हो जाए, क्योंकि यूरेका यूटेल एवेंजर्स का वो ओल्ड यूरेका मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जो यूरेका है वो यूटेल एवेंजर्स का काफ़ी हीट फोन है, इकलौता हीट फोन है शायद, और उसके बाद यूरेका एस फ्लॉप हुआ था। अब यूरेका ब्लैक अगर हीट हो जाए तो वो लोग सोचेंगे कि क्या इंडियन मोबाइल मार्केट को गुड बाय कहेंगे या फिर नहीं, तो देखना होगा 1 जून को लॉन्च है और फ़ोन कैसा होता है। अगर फ़ोन का स्पेसिफिकेशन अच्छा होता है तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, अगर अच्छा नहीं होता है प्राइसिंग के हिसाब से तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं पहले कह देता हूँ, अगर प्राइसिंग अच्छा हो, अगर स्नैपड्रैगन 625 लाए वो भी 10-11 हज़ार रुपये में, तो मैं ज़रूर खरीदूंगा उसको, लेकिन अगर ना हो तो मैं नहीं खरीदने वाला। इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा फोर्थ न्यूज़ में, वो है आइडिया को लेकर। और आइडिया पैन इंडिया 4G लॉन्च करने वाला है, वो भी मुंबई से स्टार्ट करके। तो आइडिया 4G आप लोग जानते हो ऑलरेडी है बहुत जगह पर, लेकिन आइडिया ने सोचा है कि चलो जियो से टक्कर लेना है हम लोगों को, और वो इंडिया वाइड हम लोगों को 4G नेटवर्क देना है। तो मुंबई से ये आइडिया का पैन जो इंडिया एक इनिशिएटिव है ये स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी 2G स्पेक्ट्रम चलता है आइडिया का, जी हाँ दोस्तों कुछ कुछ जगह अभी भी है जहाँ पे 3G भी नहीं है आइडिया का, तो जहाँ पे आइडिया का 2G है वहाँ पे वो लोग 4G लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द।
तो देखना होगा क्या लॉन्च ऑफर्स होंगे, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, क्या ये जियो से टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली बात है। तो आइडिया ने 2016-17 इस टर्म में 7,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और उन लोगों ने कहा है कि और भी 6,000 करोड़ रुपए वो लोग इस टर्म में इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4G मार्केट के लिए। तो आप लोग सोच सकते हो कि जियो का इफेक्ट किस हद तक जा चुका है। दोस्तों इसके बाद मैं आऊँगा मोटोरोला G2 प्ले को लेकर। तो जी प्ले जो एक्चुअली एक फ़ोन था आप लोग जानते हो, जिसके साथ हम लोग बहुत सारे मॉड्स यूज़ कर सकते थे, हैसलब्लैड का एक कैमरा या फिर JBL का स्पीकर, ऐसा कुछ मॉड्स था। तो उसका ही सेकेंड जनरेशन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द और उसका स्पेसिफिकेशन अब जाकर गीक बेंच में टेस्टिंग के लिए फ़ोन को लाया गया था, तो वहाँ से स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ स्नैपड्रैगन 626, पिछले वाले में था 625 शायद, तो यहाँ पे 626 माइनर सा अपग्रेडेशन, 10% बूस्ट आपको मिलेगा क्लॉक स्पीड में, 4 GB का रैम, 5.5 इंच डिस्प्ले वो भी 1080p डिस्प्ले, और मुझे लगता है कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पे होगा, 12 MP रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा और नोगट के साथ आएगा। तो ये रहा G2 प्ले। और हाँ, कुछ लोगों का कहना होगा कि क्या G प्ले के साथ जो मॉड्स थे वो यहाँ पे भी काम करेगा या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा क्योंकि ये जो मॉड्स है ये एक्चुअली पहले ही उन लोगों ने कहा था कि जो भी वेरिएंट आएगा, जो भी एडिशन का वेरिएंट आएगा जी प्ले या फिर मोटोरोला उसके साथ जी सीरीज के साथ, तो वहाँ पे ये जो मॉड्स है वो कम काम करेंगे। तो G2 प्ले में भी G1 प्ले का जी प्ले एक्चुअली जो ओरिजिनल जी प्ले है उसका सारे के सारे जो मॉड्स है वो अच्छे से काम करेगा और देखा जाए कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मॉड्स आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आऊँगा लास्ट न्यूज़ में इस टेक्सप्रेस का, और वो एक काफ़ी सीरियस न्यूज़ है दोस्तों। रैंसमवेयर अब मोबाइल में भी चल रहा है और रेलवेयर से, यानी कि रेलवेज का जो एक्चुअली इंटरनेट सर्विस है, तो रेलवेयर से रैंसमवेयर आपके फ़ोन में घुस जा रहा है दोस्तों। ये एक बहुत सीरियस न्यूज़ है और कैस्पर्सकी ने कहा है कि मोर देन 30,000 फ़ोन अभी भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ है, जिनका फ़ोन का इंटरनल इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, ये सारे के सारे कुछ हैक्ड हो चुका है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले वानाक्राई रैंसमवेयर आया था, तो ये भी वैसा ही एक रैंसमवेयर है। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशस रहना होगा कि क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या चीज़ हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही ये रैंसमवेयर फ़ोन में फैल रहा है और आप लोग जानते हो जो हो रहा है फ़ोन के साथ। तो सेफ रहिए और थोड़ा बहुत कॉशस रहिए कि क्या क्या आप लोग डाउनलोड कर रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, कि बहुत ही रैंसमवेयर का अटैक हो रहा है, शायद मेरे मोबाइल के साथ भी हो सकता है अगर मैं कॉशस ना रहूँ तो। लेकिन अगर आप कोई भी मैलिशियस फाइल को डाउनलोड नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो सेफ रहिए और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वीडियोस ज़रूर आएंगे और वो भी अच्छे इंग्लिश वीडियोस। और हिंदी चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपसे हिंदी वीडियोस ज़रूर आएगा और हिंदी में ही बातचीत होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आपका कुछ कमेंट है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वेट करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।